अब आगे। सब सही तो कहते हैं कि डमरू की ध्वनि बुरी शक्तियों के प्रभाव को समाप्त कर देती है। युवराज मारुति, आपकी माता महारानी जी आपके लिए चिंतित होंगी। चक्रासुर लौट गया है, चलिए हम आपको राजभवन पहुंचा देते हैं। युवराज मारुति, आप हम सबके लिए इतनी रात्रि में यहां आए। आपने धवल मुख के प्राण बचाए, स्वयं को संकट में डाला, आपने हमारे लिए कितना कुछ किया। अब आप राजभवन लौट चलिए। यदि चक्रासुर पुनः आ गया तो उसका भय अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। आप सत्य कह रहे हैं मुखिया जी, चक्रासुर का भय अभी भी बना हुआ है। जब तक आप सभी चक्रासुर के भय से मुक्त नहीं हो जाते, मारुति आप सबको इस संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। और चक्रासुर के भय से आप सब तभी मुक्त हो सकते हैं जब चक्रासुर सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और इसके लिए हमें साथ मिलकर प्रयास करना होगा। तो क्या चक्रासुर की मृत्यु संभव है? हाँ, वो भी तुम्हारे द्वारा। इसके द्वारा? ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? पहेलियां मत बुझाइए युवराज, इतने भयानक असुर की मृत्यु, वो भी एक साधारण बालक के द्वारा, ये कैसे संभव है? मात्र यही नहीं, आप भी उसे मार सकते हैं। आप भी और आप भी। मैं भी? हाँ मुखिया जी, आप भी उसे समाप्त कर सकते हैं। एकता में बहुत शक्ति होती है, चक्रासुर से भी अधिक। यदि हम सब मिलकर एक हो गए तो चक्रासुर का अंत भी कर सकते हैं। चक्रासुर बहुत शक्तिशाली है और माया भी है, किंतु उसकी एक दुर्बलता भी है। आप सबने देखा था इस एक डमरू के नाद से चक्रासुर कितना विचलित हो उठा था। ये डमरू की ध्वनि बंद करो, बंद करो ये ध्वनि।
भागने के लिए विवश हो गया था। यदि अनेकों डमरू एक साथ बजाए जाएं, तो उनकी सम्मिलित ध्वनि से चक्रासुर शक्तिहीन हो जाएगा। फिर उसे हम सहज ही समाप्त कर सकते हैं। कब तक यूं ही भयभीत होकर जिएंगे? माँ ने कहा था कि भय दुर्बलता उत्पन्न करता है, और भय पर जिसने विजय पाली, विजय उसी की होती है। युवराज, आप बहुत छोटे हैं, आप नहीं समझेंगे। बात भय की नहीं है, मात्र इतनी सी है कि अपने से बलशाली पर वार करना स्वयं को संकट में डालना है। संकट का सामना करने पर ही संकट दूर होते हैं मुखिया जी। यदि हम संकट से भागेंगे तो संकट हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं मिलता है, सफल वही होता है जो प्रयास करता है। पिताश्री भी वही कहते हैं, जो स्वयं की सहायता करता है, भगवान भी उसी की सहायता करते हैं।